मॉर्निंग, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम कुछ अलग फील करने की वजह से घर से निकले थे मैं और सूरज जी, लेकिन जब हम वाई सातारा में आए तो वहाँ का जो किला था वहाँ जाने वाले थे, लेकिन बाद में ऐसा ख्याल आया कि नहीं आज वाटरफॉल करेंगे। तो आज अभी हम जो है महाबलेश्वर में है, यहाँ से आपको प्रतापगढ़ दिखेगा, जो आगे वाला जो पहाड़ है वो प्रतापगढ़ है, लेकिन हम प्रतापगढ़ या महाबलेश्वर नहीं दिखाएंगे आपको। आज हम जाने वाले हैं नानेमाची वाटरफॉल, जो एक अलग तरह का थ्रिल है। तो आप भी चलिए मेरे साथ। नानेमाची वाटरफॉल ट्रेक लोकेटेड है राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट महाड से कुछ ही दूरी पर। पुणे से ये डिस्टेंस लगभग 130 किलोमीटर है। यहाँ आने के लिए आपको प्राइवेट व्हीकल से ही आना पड़ता है। यहाँ महाड से रेंट पर आप वाहन लेकर आ सकते हैं। ये महाबलेश्वर पोलादपुर घाट है और इस घाट में इस तरह के बहुत सारे अनगिनत वाटरफॉल है जो आपका सफर एक मेमोरेबल सफर में बदल जाएगा। हरे भरे चावल के खेत और इतना सुंदर रास्ता, यानी स्विट्जरलैंड ही है ये महाराष्ट्र का। वैसे तो पोलादपुर पहुंच चुके हैं। पोलादपुर से राइट लेते ही आपको महाड़ है, यहाँ से महाड़ 20 किलोमीटर है। ये बॉम्बे गोवा हाईवे है। महाड़ से नानेमाची का जो बेस कैंप है वो 20 किलोमीटर है। तो लगभग आपको यहाँ से टोटली हमको 40 मिनट लगेंगे वहां तक पहुंचने के लिए। वाटरफॉल ग्रीन फॉरेस्ट और ऊंचे पहाड़ों के बीच स्थित एक सुरमई घाटी के बीच में एक छुपा हुआ रत्न है। यह मनमोहक वाटरफॉल अपनी प्राचीन सुंदरता और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। आगे वाकी गांव है। वाकी गांव में आते ही आपको लेफ्ट साइड को एक नानेमाची और सीधा गए तो सातसड़ा वाटरफॉल को जाता है। जो नानेमाची का जो बेस कैंप है या पार्किंग, वहां पर हम आ चुके हैं। यहां पे हमने बाइक पार्क की है और यहाँ का जो चार्जेस है मिनिमम चार्जेस 20 रुपये है यहाँ। हाँ, ग्राम पंचायत का गांव का, हाँ वही गांव या ग्राम पंचायत के लिए 20 रुपये का वो पर्ची है, वो निकाल के आप आगे जा सकते हैं। यहाँ से लगभग एक आधे घंटे का ट्रैक है, ज़्यादा खड़ी चढ़ाई वाला नहीं है, प्लेन में ही है। तो अभी हम निकल रहे हैं उधर ही। Thank you.
पार्किंग है। पार्किंग से कुछ दूर आने के बाद यहाँ एक छोटा सा ढाबा है इन भाई साहब का। आप यहाँ क्या क्या मिलेगा आपके पास? मिलेगा बटाटा भजी। मुझे ऐसा लगता है नानी माची वाटरफॉल ट्रेक रोमांच और शांति का एक आदर्श मिश्रण है दोस्तों। नेचर प्रेमी और शौकीन ट्रेकर्स के लिए एक सुंदर अनुभव कह सकते हैं। ना कोई भीड़, ना गाड़ियों की आवाज, सिर्फ हम पंछी और पत्तों की आवाज। मानसून के दौरान यह वाटरफॉल अपने सबसे अच्छे रूप में होता है दोस्तों। यह वाटरफॉल दो चरणों में बहता है और इसकी ऊंचाई लगभग 400 फीट तक है। देवकुंड और कातल धारा की तुलना से यह वाटरफॉल अधिक विशाल है। वाटरफॉल के तीनों ओर ऊंचे पहाड़ है इस तरह से, और बीच में ये वाटरफॉल है। अद्भुत नज़ारा है दोस्तों यहाँ का। दोपहर का वक्त, घर का टिफिन, इतना लंबा ट्रैक और वाटरफॉल के यहाँ अगर खाने को मिले तो यह अनुभव बहुत ही सुकून भरा है दोस्तों। वाटरफॉल की मेन धारा की ओर बढ़ रहे हैं। नीचे से रास्ता था लेकिन वो रास्ता फिसलन भरा और बड़े पत्थरों होने के कारण हमने ये जंगल में से फिर से ट्रैक शुरू किया है। यहाँ से देखो मेन धारा कैसी दिख रही है दोस्तों।